हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं एरिस ट्रांजिशन के बारे में। तो ये एरिस ट्रांजिशन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एरिस ट्रांजिशन ये है कि किस तरह आपको अपने आंख के द्वारा या अपने आई के द्वारा आपको पैसा किस तरह निकालना है, किस तरह को पैसा चेक करना है, किस तरह को मिनी स्टेटमेंट निकालना है। तो यही सारे इशू हम जानने वाले हैं। क्या होता है, काफी सारे कस्टमर आपके पास आते हैं जिनका फिंगर मैच नहीं खाता है, उनकी रेखाएं मिट जाती है तो उनका फिंगर मैच नहीं खाता है और वो कस्टमर आपके वहां से वापस चले जाते हैं। ज्यादातर जो दिक्कतें आती ये बुजुर्गों के साथ आती है, जो लोग ज्यादा एज के लोग हो चुके हैं उनका फिंगर मैच नहीं खाता है, तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो अभी क्या है, इसमें आपको बताने वाला हूं किस तरह एरिस की सहायता से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और आपके कस्टमर आपके वहां से वापस नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मंत्रा डिवाइस है, एरिस डिवाइस, जो कि आंख के द्वारा पैसा निकाला जाता है, देख सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। कितना प्राइस का है, किस तरह मिलेगा, प्रीपेड या सीओडी, और इसमें क्या क्या खूबियां है, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो जाकर उस पर चेकआउट कीजिए, इस वीडियो को देखिए और नॉलेज प्राप्त कीजिए। फिलहाल इसमें बात करने लगे किस तरह को हमें कैश विड्रॉल करना है, साथ ही में इसको किस तरह को सेटिंग करना है। और ये जो अभी डिवाइस काम कर रही है, फिनो बैंक की पोर्टल में काम कर रहे हैं, अभी जो बाकी की पोर्टल उसमें भी काम नहीं कर रहा है, अभी उसमें अपडेट आने वाला है, जैसे उसमें अपडेट आ जाएगा तो उसमें भी काम करेगा। अभी जो रियल टाइम में जो काम कर रहा है वो फिनो बैंक में काम कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाला किस तरह वर्क करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मंत्रा एरिस डिवाइस है, तो चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। और इसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले से कर रखा है, जाकर उसको देख सकते हैं और इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। पहला तो आपके लिए डिवाइस है जो कि एरिस डिवाइस है और इसमें साथ में एक स्टैंड मिलता है, तो इसमें स्टैंड को सेट करना होता है। काफी लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका स्टैंड है। स्टैंड इसलिए होता है कि इसकी डिस्टेंस जो होती है, इसकी जो दूरी होती है या इसका जो लेंथ होता है वो सही तरीके से सेटल हो जाए, इसलिए इसको दिया जाता है। क्योंकि आप जब इसको इस तरह करेंगे तो ये सही तरीके से स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये जो होता है आपको सही तरीके से बिठाया था आप में, तो आप में दो सिरा मिल जाता है ऐसा कि आप देख सकते हैं, और एक इस तरह है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे डिवाइस पकड़ना है और ये वाला सिरा ऊपर रखना है इस तरह, आपको ऊपर की तरह इसे पुश कर देना है। जैसे पुश करेंगे तो इसमें बैठ जाएगा, देख सकते हैं पीछे तरीके से बैठ चुका है अच्छी तरीके से, और इस तरह यहां भी बैठ चुका हुआ है, तो इस तरह बैठ गया हुआ है। अब इसको इस तरह आंख में लगाया जाता है इस तरह, और इसमें एक लेंस लगा हुआ है, एक तरीके से आईना लगा हुआ, उस आईने में आपको देख रहा है, अपने आंख को बड़ा करना है, एक शीशा है उसमें आपको देखना है। और इसमें लाइट जल्दी रेड कलर की लाइट, और आपको आंख को ऐसे 3 से 4 सेकंड आपको वहां पर बड़ा करके रखना है ताकि आपका आयरिस स्कैन कर ले। अभी चलिए इसे हम खोल लेते हैं। अभी इसको खोलने का देखिए, ये इस तरह का है, यूएसबी टाइप में, आप चाहे तो इसे लैपटॉप या मोबाइल में दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने फोन में, और आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कौन सा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना जिससे आपका ये क्या बोलते हैं, मंत्रा एरिस डिवाइस काम करता है। तो सबसे पहले आपको आना है अपने प्ले स्टोर में, मैं आपको बगल में स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आपको आना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने का आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर मंत्रा, मंत्रा आईरिस सर्च करना है आपको। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको आ जाएगा MIS 100 V2 RD सर्विस, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले से हमारे में डाउनलोड है, आप उसको डाउनलोड करें, तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड पहले से ही, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने में कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इंटरनेट अवेलेबल है, ये ग्रीन है, मैनेजमेंट सर्वर भी रीचेबल है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइस नॉट कनेक्टेड, जब तीनों ग्रीन हो जाएगा तभी ये वर्क करता है। अभी चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर दिए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तरह का पावर स्क्रीन पे आ जाएगा, और इसको ओके कर देना है। अब देखिए आपका परमिशन ले रहा है, ओके करें। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ग्रीन हो चुका है। अभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखा दे किस तरह इसको टेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कैप्चर पे, तो यहाँ पर देखिए अभी डिवाइस में लाइट जलना चालू हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा आपको, डिवाइस में लाइट जल रहा है, आप बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको आंख को बड़ा करना है, तो एक मिनट, ये कैप्चर हो चुका हुआ है, तो आप स्क्रीन पे बगल में देख सकते हैं किस तरह इसमें आंख बड़ा होकर आ गया, इसी तरह स्कैन करता है। अभी आप यहाँ पर जो कैप्चर हुआ सक्सेसफुली, इसका क्वालिटी देख सकते हैं 53 आया हुआ है, तो इस तरह पर टेस्ट कर सकते हैं।
तो ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको अच्छी तरीके से जानकर किस तरह इसको यूज करना है। तो यहां से टेस्ट करने आपको चलना है अपने फिनो बैंक के एप्लीकेशन पे, तो चलते हैं फिनो बैंक एप्लीकेशन पे। तो अभी चलते अपना फिनो बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, अभी ओपन करके चलिए यहां पर हम सारा जो सेटिंग है कर लेते हैं फटाफट। तो आपको क्या करना है, आपको जाना होता है अपने इस वाले सेटिंग में, जैसे कि मैं दिखाया, तो पेयर डिवाइस में जाना है। जैसे आप पेयर डिवाइस में जाएंगे, आप देख सकते हैं ये पेयर डिवाइस का ऑप्शन है, तो सबसे लास्ट में आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है एरिस मंत्रा, ठीक है। ऊपर वाला जो स्कैनर है उसमें आपका वो आता है, ई वैल्यूट आता है, वॉइस डाटा आता है, मार्फो आता है, मंत्रा। तो यदि आप कोई और डिवाइस चलाते हैं तो आपको यहाँ पर मार्फो सेलेक्ट कर लेना है, आपका एक बार में दो डिवाइस काम कर लेगा। तो वहां से मार्फो सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर आपका एरिस उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के जो नीचे मैंने सेटिंग किया वो किया है मैंने यहाँ पर मंत्रा एरिस। तो चलिए यहाँ पर अभी हम इसको आपको दिखाते हैं किस तरह करना है। तो फटाफट यहाँ पर हम पहले बार आपको मिनी स्टेडियम करके दिखाए, तो उसके बाद कैश विड्रॉल करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर ले, तो उसका आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर, अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, पहला एक फिंगर का होता है, दूसरा एरिस का होता है। आपको एरिस वाले पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एरिस वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एरिस वाले पे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्कैन होने के स्टार्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैप्चर है सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे आप यहाँ पर एक कंसेंट देंगे, आपको एक कंसेंट देना है, यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे आपको यदि आपका कैप्चर सही से नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके एक बार ऊपर से दोबारा से क्लिक कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैप्चर हो चुका हुआ है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी ये ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो अभी क्या है कि मैंने एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर रखा हुआ है, इसलिए बैलेंस इंक्वायरी का लिमिट क्रॉस हो गया है। ये टुमारो बोला है, जैसा कि देख सकते हैं यू आर डेली बैलेंस इंक्वायरी लिमिट हैज बीन एक्सेड, यानी बैलेंस इंक्वायरी का लिमिट खत्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक बार विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे वॉलेट में जो है ये है 15,700 कुछ रुपए के आसपास है। आप टाइम भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं एक आपको 1,000 का ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट अपना डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको उसी प्रोसेस भी दोबारा लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर हम आ चुके हैं, अभी दोबारा से सेलेक्ट करेंगे हम एरिस को, और एरिस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरिस स्कैनर चालू हो चुका है। अभी हम स्कैन करते हैं अपनी आईज को, तो यहाँ पर ये कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। आपको कंसेंट देना है और कंसेंट देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिस के द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप वगैरह किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिस लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं एक बार, जो कि बैंक से देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है। अभी मैसेज को हटाते हैं, अभी आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह एरिस की सहायता से कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि यहाँ पर 15,000 रुपए थे, अभी यहाँ पर 16,700 कुछ रुपए है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया तो 15,000 थे। तो काफी आसानी से आपने देख लिया कि मैंने फर्स्ट टाइम में बैलेंस इंक्वायरी किया, क्योंकि मैंने एक बार जिन्हें बैलेंस इंक्वायरी कर रखा हुआ था तो लिमिट क्रॉस हो गया था, मैंने दूसरी बार विड्रॉल किया तो 1,000 का ट्रांजेक्शन तुरंत हो गया। तो ये एक ही बार में स्कैन कर लेता है बहुत ही आसानी से, जैसे आप एरिस को लगाते हैं, इसमें एक लेंस लगा, उस लेंस में आपको देखना है और बहुत ही आसानी से आपका ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको शेयर कर दी, किस तरह आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, किस तरह को सेटिंग करना है, और मित्र एप्लीकेशन फिनो मित्र में किस तरह आपको सेट करना है। काफी लोग क्या करते हैं, फिनो मित्र में सेटिंग नहीं कर पाते हैं और वो काफी परेशान रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है यदि आपको दोनों डिवाइस आप काम चला सकते हैं, यहाँ पर दोनों डिवाइस एक साथ काम करेगी, साथ में यहाँ पर फिंगर का भी काम करेगा, आपका एरिस भी काम करेगा। यदि किसी का फिंगर नहीं काम करता है तो एरिस डिवाइस लीजिए, इससे आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि काफी गांव में ऐसे लोग हैं जिनका पेंशन या पीएम किसान निधि या कोई भी और भी पैसा आता है तो पैसा निकाल नहीं पाते, उनको बैंक जाना पड़ता है। तो इस केस में यदि एरिस डिवाइस को रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद तभी कॉल कीजिए, काफी लोग वीडियो देखने के पहले ही कॉल करते हैं और वो रेट पूछते हैं, किस तरह में सारी जानकारी पूछने लगते हैं। तो मैंने सारी जानकारी शेयर करके जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने काफी सारे दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी अच्छी लगे और वो भी इस तरह की डिवाइस को परचेज कर सके। तो चलिए दोस्तों मिले किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।